हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। क्या एक व्यक्ति सबको खुश कर सकता है? मेरे ख्याल से अगर कोई व्यक्ति सबको खुश करने का अगर प्रयास करेगा, वो इस प्रयास के अंदर विफल होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल मैंने सही बोला और आप लोगों ने सही सुना है कि कोई भी व्यक्ति अगर सबको खुश करने की कोशिश करेगा तो वो उस प्रयास में विफल होगा, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ एक शानदार स्टोरी शेयर करने वाला हूं। पर फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लगातार सुनते रहना चाहते हैं और आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार एक गाँव के अंदर एक पिता और पुत्र रहते थे, और उस पिता और पुत्र के पास अपना एक गधा भी था। वो बूढ़ा हो चुका था, तो कहीं ना कहीं उन्हें काम करने में दिक्कत आती थी। कहीं से सामान कुछ ले जाना पड़ता था, लाना पड़ता था, उसमें काफ़ी दिक्कत थी। उन्हें काम भी चलाना था, तो उन्हें अब नए गधे की ज़रूरत पड़ी और डिसाइड किया कि पास के ही किसी शहर के अंदर एक पशु मेला लग रहा है, तो हम पिता और पुत्र दोनों जाके उस पशु मेले से एक गधा खरीद के लेके आ जाएंगे, जिससे कि हमारा काम कंटिन्यू चलता रहे। पिता और पुत्र घर से निकल चुके थे गधा खरीदने के लिए, उस मेले के अंदर जाने के लिए। फ्रेंड्स, पिता और पुत्र दोनों उस मेले के अंदर पहुंच गए। उन्होंने एक अच्छा सा गधा सेलेक्ट किया और उस गधे को लेके वापस अपने घर के लिए निकल चुके थे। फ्रेंड्स, अब क्या होता है फ्रेंड्स, ये पिता और पुत्र दोनों आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे उनका खरीदा गया जो गधा था वो चल रहा है। फ्रेंड्स, अब लगातार वो चलते जा रहे हैं। उस मेले से कुछ दूरी तक वो पहुंचे ही थे कि अचानक रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले, और वो लोग बातें कर रहे थे कि देखिए, गधा होने के बावजूद भी पिता और पुत्र चलते हुए जा रहे हैं, अच्छा होता ये पिता और पुत्र दोनों इस गधे के ऊपर बैठ जाते। जैसे ही उस पिता और पुत्र ने उन लोगों की बातों को सुना, तो वो भी विचार करने लगे कि बात तो सही है। तो पिता और पुत्र ने दोनों विचार किया, क्यों ना हम इस गधे के ऊपर बैठ के अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। फ्रेंड्स, इसी सोच के साथ वो पिता और पुत्र दोनों उस गधे के ऊपर सवार हो गए और आगे जाने लगे। अभी कुछ दूरी और तय की होगी और रास्ते में कुछ और लोग मिले उन्हें। वो लोग बातें करने लगे कि यार, ये पिता और पुत्र कितने निर्दयी हैं, हट्टे कट्टे पिता और पुत्र दोनों इस निर्जीव पशु जो बोल नहीं सकता उसके ऊपर बैठे हुए हैं, मुश्किल से ही चल पा रहा है। जैसे ही ये बातें उनके कानों में पड़ी, वो सोचने लग गए। अब उन्होंने क्या किया, पिता जो थे वो उस गधे के ऊपर बैठे रहे और पुत्र जो था वो गधे के आगे आगे उस रस्सी को पकड़ के चलने लगा। अब क्या था फ्रेंड्स, कि गधे के ऊपर पिता बैठा हुआ था और पुत्र जो था वो गधे के आगे आगे रस्सी पकड़ के चल रहा था। अभी कुछ और दूरी उन्होंने तय करी और वहाँ क्या देखते हैं, कुछ महिलाएं वहाँ पर उनको रास्ते में दिखी और वो बातें कर रही थी। ऐसा पिता पहली बार देखा है कि जो खुद तो गधे के ऊपर सवारी कर रहा है और अपने पुत्र को पैदल चला रहा है। जैसे ही ये बात उस पिता और उस पुत्र के कानों में पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, पिता जो था वो गधे से उतर गया और अपने पुत्र को उसने गधे के ऊपर बैठा दिया। अब क्या था कि पुत्र जो था वो उस गधे के ऊपर बैठा हुआ था और वो पिता जो था वो गधे के आगे आगे रस्सी पकड़ के चल रहा था। अभी कुछ दूरी और तय की थी, कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, उनकी आवाज़ उनके कानों में पड़ी और वो बोल रहे थे कि पहली बार ऐसा पुत्र देखा है जो खुद गधे के ऊपर सवारी का आनंद ले रहा है और अपने बूढ़े पिता को पैदल चलने पे मजबूर कर रहा है। जैसे ही ये बातें उनके कानों में पड़ी, वो शॉक हो गए और अब वो सोच नहीं पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि व्हाट वी डू, अब हम क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, पास से ही उन्हें एक लकड़ी का डंडा दिखाई दिया और उस डंडे को लिया, उस गधे के चारों पैरों को बांधा और चारों पैरों के बीच में एक डंडा डाल के वो पिता और पुत्र दोनों उस गधे को अपने कंधे पे लाद के लेके जाने लगे। फ्रेंड्स, अब क्या होता है, अब वो अपने गांव के नज़दीक पहुंच चुके थे। जैसे ही गांव के अंदर एंटर हुए, तो उन्होंने देखा कि गांव का जो चौराहा होता, वहां पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और जो लोग बैठे हुए थे वो हंस रहे थे उस पिता और पुत्र को और उनकी सिचुएशन को देखते हुए। और वहां पर कुछ लोगों ने आगे बढ़ के उनको पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम पशु मेले में हम गए थे और वहाँ से इस गधे को खरीद कर लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इस गधे को इस प्रकार से उल्टा लटका कर क्यों लेके आ रहे हो, कंधों पे लाद के क्यों लेके आ रहे हो। तो उन्होंने उस बुज़ुर्ग को, जिस बुज़ुर्ग ने उनको ये बात पूछी थी, उस बुज़ुर्ग के सामने बया किया अपना पूरा वाक्या। उन सब लोगों में से एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आगे आए और उन्होंने बोला कि बेटा,
ये सब आपके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि आप सभी को खुश कभी भी नहीं कर सकते। आपने प्रयास किया, आपने सारी चीज़ें करी, सो लाइफ में कितना भी स्ट्रगल कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, लोग हर सिचुएशन में कुछ न कुछ बोलेंगे। कुछ लोग आपकी बातों से एग्री करेंगे और कुछ लोग आपकी बातों से डिसएग्री करेंगे, और जो आपकी बातों से डिसएग्री करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ न कुछ उल्टी बात ही बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, सबको खुश नहीं किया जा सकता। अगर आप अपनी एनर्जी सबको खुश करने पर लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपकी एनर्जी गलत जगह पे जा रही है। दोस्त, हमें लाइफ में क्या करना है, व्हाट यू वांट इन लाइफ एंड व्हाट यू डू, इसी थीम के ऊपर अगर आप काम करेंगे दोस्त, तो जीवन में जो आप चाहते हैं वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं और उस फील्ड के अंदर प्रोग्रेस कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं दोस्त, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को खुश करने के चक्कर में अगर हम पड़ गए तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी, हमारा टाइम कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, उन चीज़ों के ऊपर अपना समय और अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना है, इस थीम के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर अगर काम किया जाए तो फ्रेंड्स डेफिनेटली लाइफ में कुछ बड़ा और कुछ हटके कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लोगों को खुश करने के प्रयास करने के बजाय अपने माइंड और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानते हुए और अपने गोल को देखते हुए उसके मुताबिक हमें प्रयास करने चाहिए ताकि उस चीज़ को आप अचीव कर सकें। सो फ्रेंड्स, क्योंकि दुनिया के अंदर सलाह देने वालों की कमी नहीं है, अगर आप 10 लोगों से बात करोगे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिगार्डिंग, तो आपको 10 प्रकार की सलाह मिलेगी। एग्जाम्पल के ऊपर अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, अगर वो स्टूडेंट हमेशा जब डिसीजन लेने का जो मूवमेंट आता है, कहीं ना कहीं वो 10th के बाद कौन सी सब्जेक्ट लें, यहाँ पर उसका सबसे पहला लाइफ का डिसीजन लेने का समय होता है। और फ्रेंड्स, अगर वो अलग अलग लोगों को पूछे कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए, मैं साइंस लूँ, मैं आर्ट्स लूँ, मैं कॉमर्स लूँ, कौन सी सब्जेक्ट मुझे लेनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर वो 4 लोगों को पूछेगा तो 4 प्रकार की राय उन्हें मिलेगी। और वो जो राय देने वाले होंगे, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि वो उस चीज़ के बारे में, उस फील्ड के मास्टर हैं या नॉलेज रखते हैं। तो गलत व्यक्ति से राय लेने से भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोग अपनी समझ के हिसाब से सजेशन आपको देते हैं। तो हमें किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें अपने लिए क्या सही और क्या गलत का फैसला खुद करना चाहिए और लाइफ में उस काम के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर बात किसी बिजनेसमैन की जाए, बिजनेस में भी सेम चीज़ होती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सलाह ले कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, क्या करूं, कैसे करूं, तो मेरे ख्याल से वहां पर भी यही चीज़ लागू होती है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सलाह देगा। कुछ लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया किया, कुछ लोग बोलेंगे यार कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को आपने किया, कोई दम नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। तो सबको खुश करने के प्रयास करने के बजाय अपने आप के ऊपर भरोसा करके, अपने माइंड, अपने बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फैसले कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि सबको खुश नहीं किया जा सकता। बहुत ही बड़ा एक लेसन इस स्टोरी के माध्यम से हमने लर्न किया कि सबको खुश करने के लिए प्रयास नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर प्रयास करना है तो सबसे पहले अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लेना है और प्रयास करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये स्टोरी अच्छी लगी होगी आपको, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट करें।